अस्सलाम वालेकुम, मैं वलीम और आप देख रहे हैं बर्ड गैलेक्सी ऑफिशियल। आज हमारा फाइनल डे है मेकिंग का और आज के दिन सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं हमने। बस सिर्फ चिकन ऐड करने रह गई हैं एंड उनके जो हाउसेस हैं वो लगाने रह गए हैं। तो इंशाल्लाह आज के दिन जो है वो हम उनके हाउसेस जो हैं वो लगाएंगे और वो आपके साथ साथ शेयर करेंगे कि यार कैसे लगा रहे हैं। फिर इंशाल्लाह कल के दिन जो है वो अच्छा। तो जनाब प्लस्टर हो गया सारा, उस दिन भी पानी देना है। नहीं आना अभी होता तो जब आप पानी देने का काम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा हो रहा है ये प्लस्टर, तो उसके लिए भी थोड़ा सा हमें सीमेंट बनाना पड़ रहा है। जब आप अभी लगता है सीमेंट का पेंट करने लगे। कच्ची इसको कहते हैं कच्ची। और पक्की क्या होती है? पक्की है। कच्ची पक्की ऐसे जो हमवार बिल्कुल नहीं होता। नहीं होता? नहीं होता तो ये कह रहा नहीं होता तो पूछो ना होता कि नहीं होता। मुझे खुद पता नहीं होता कि नहीं होता। नहीं थोड़ा और सीमेंट डाल देते हैं। बहुत पतला है ये तो, पानी है सर। ये तो बिल्कुल इस जगह पे लोग करते हैं तब इस जगह पे भी ठीक है। अच्छा जी ये देखें जो सीमेंट कवर हमने कल किया था उसकी कोई फाइनल टचेस रह गई थी। ठीक है तो वो जवाब साहब आज है मुकम्मल कर रहे हैं ऊपर ऊपर से। बाकी ये कैसा फाइनल हो चुका है, कंप्लीट हो गया बिल्कुल। मिट्टी का जो काम था नाजरीन कल जो किया था वो अभी तक लग रहा है कि वो गीला ही है। मेरान क्या सीन है? अभी गीला है, इसको एक दिन और रह देते ना फिर इस पे मुरझा वगैरह लाते हैं। इसके ऊपर पेटी ना रख देंगे बस। नाजरीन डब्बे लगाना शुरू हो गए। अब डब्बों का सिर्फ अभी सैंपल लगाया हमने ताकि कंफर्म जो होगा वो तब लगेगा जब इसको बिल्कुल फिक्स कर देंगे, क्योंकि पीछे इनकी एक एक लकड़ी लगेगी और उसके बाद जो होगा वो फाइनलाइज होगा। मेरे तो ख्याल से वो डब्बा जो है उस साइज़ के होने चाहिए सारे डब्बे। अच्छा तो नाजरीन डब्बे शब्बे लग गए। ठीक है मेरान काम हो गया। बस नीचे का तो वो हो गया, बस इसका थोड़ा पेंट वगैरह रहते वो कर लेते। इन्हें फिक्स भी करो ना, ये तो फिक्स नहीं है। इन्हें फिक्स करो, कल ऐसे रखे। हाँ इन्हें आज फिक्स कर दो। ये इसके ऊपर वो बड़ा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वो तो इसने वैसे डेमो के लिए रखा है। ये भी वो कह रहा था कि इसके चलने फिरने की जगह तो वो ना मुर्गों को। नहीं नहीं जरूरत नहीं है उसमें। नहीं वो है ना दूसरा इधर तक है ना, वो काटना पड़ेगा ना पैर। छोड़ दो। नहीं नहीं वो डिंगा हुआ होगा, काटना पड़ेगा। नहीं ये वाला मेरा। हाँ जी क्या हो रहा है अभी? यार ये गम ले कर खाली करते हैं तो बस चलो खाली कर लेते हैं। गमले खाली बोले तो इनकी मिट्टी निकालनी है। झाड़ियों को मरियम नवाज की तरह ये बन गया। ये रिकॉर्ड ना, ये रिकॉर्ड तो नहीं हो, इसको रिकॉर्ड ना कर। इसको कट कर दे। इसको कट कर। बिल है रे इसको। तो वो के साथ साथ मौसम बड़ा सुहाना हो गया है। जवाब साहब और मेरान गमले खाली करने में लग गए हैं, क्योंकि गमले खाली करने हैं और उसमें लगानी है फिर सब्जियां। तो एक तरह से जो गार्डनिंग होती है छत के ऊपर ही वो भी स्टार्ट कर रहे हैं साथ साथ में। तो उन्होंने कहा कि चलो सारे जो गमले वो खाली करें और उसके अंदर लगाएं अब वेजिटेबल्स वगैरह। तो ये सारे गमले ये भी हैं, कुछ वो पीछे पड़े हुए खाली ब्लैक कलर के। बहुत सारे गमले तो बहुत सारे हैं, कोई ऑलमोस्ट कोई 100-150 के करीब करीब गमले। तो सारे के सारे जो है वो हमने वेजिटेबल्स में लगाने। अब देखते हैं कि क्या क्या लगता है। केश तो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गई है, चिकन वगैरह भी इंशाल्लाह हम कल तक लेंगे और बाकी इंशाल्लाह साथ साथ में आपको अपडेट करता रहता हूँ। जनाब ये पौधे जो लगे हुए हैं ये हैं न्याज बो के। ओ न्याज बो की स्मेल कब, वो कौन से महीने में निकलती है सही से? ये है न्याज बो, ये बड़ा अच्छा पौधा है सांस की और ये बीमारियों के लिए डेंगू बुखार के लिए इसका कावा पीते हैं। और ये पौधे ये कहते हैं जो फूल हैं ये कब निकलेंगे, कौन से मौसम में? ये सदाबहार है, 12 महीने निकलते हैं। अच्छा थोड़ा सख्त मौसम आए तो फिर
सख बोल रहे तो गर्मी ज्यादा, गर्मी ज्यादा हो जाए, सर्दी ज्यादा हो जाए। अभी तो डिसाइड हो रहा है कि कौन सा पौधा खाली करना है, कौन सा पौधा खाली नहीं करना है, क्योंकि कुछ गमले ऐसे हैं जो कि बहुत कीमती हैं, मतलब पाकिस्तान से बाहर से पौधे आए हुए हैं, और कुछ जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। अब कौन सा खाली करना है वो जो है अभी इन लोगों ने डिसाइड नहीं किया, देखते हैं क्या क्या चल रहा है आगे। और मेहरान कौन सा गमला खाली करना है फिर? ये जितने भी ख़राब गमले हो ना, जो मौसम है ना वो बहुत ही कोई सुहाना है, आपको भी दिखाते हैं। मौसम देखें जी, बादल ही बादल, सूरज वो उधर छुपा हुआ है, और यहाँ पे जवाब सब पौधे खाली करने में लगे हुए हैं। जो फजूल पौधे हैं जिनका कोई मकसद नहीं है, उनको हटा के हम उनकी जगह सब्जियों वाले पौधे लगाने हैं। और ये मेहरान गुनाह कमाने में जो है सबसे पहले नंबर पर है। आईडिया आप लोगों का है, मैंने कहा इसको रहने देते। कौन सा वाला? ये वाला, ये गमले में लगाया पाइन। यहाँ से पौधों का सफाया हो गया, जो बेकार बेकार थे सारे गमले खाली हो गए यहाँ वाले, सारी मिट्टी ये ढेर लगाया हुआ है, और अब इन वाले पौधों की बारी है। अब ज़ाहिर बात है ये कुछ किसी काम के नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि हमारे फ़ायदे के लिए यूज़ हो जाए, अच्छे अच्छे काम आ जाए। ये बंदा जो है ये खाली करने में माहिर है, हर चीज़ को खाली करता है ये। नाज़रीन ये खजूर के पौधे को अब हम घोंसला बनाने लगे हैं, क्योंकि इसके नीचे की जो बेस है वो बिल्कुल गोल शेप में, तो ऊपर का काट देंगे और नीचे का हो जाएगा आलमोस्ट घोंसले के लिए रेडी। ज़्यादा ऊपर से, ऊपर से काट, ऊपर से, ऊपर से काट, इस साइड से काट, ये जगह नहीं है वो काट, मिट्टी खुद ही निकल जाएगी। इसके बीच से मिट्टी निकाल लें, उल्टा करके ना इसको मार, ज़मीन पे मार ऐसे, गुड़िया मेहरान। तो पुराने ज़माने में घोंसले बनाने वाले थे नहीं? अरे इसमें परिंदे बहुत आराम से आ जाएंगे। चलिए जनाब, आज का काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, सारे गमले हमने खाली कर दिए, फजूल की जो प्लांट लगे हुए थे वो हमने साफ़ कर दिए सारे के सारे, और जो अब बिल्कुल जो वेजिटेबल्स होंगे या कोई फ्लावर वाले हो गए वो लगाने, तभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।